इतनी इतनी ठंड हो रही है ना, मैं इस मौसम में रोड ट्रिप पे जाना है पागलों को। भाई कार रह गया यार वो। कार रह गया वो यार, कब आएगा? पता नहीं यार, कॉल नहीं उठा रहा। वापस करिए एक बार। 6 बार कर लिया ऑलरेडी, रास्ते में होगा, आप क्या कर सकते हैं। तूने लोकेशन तो यही दी थी ना, स्कूल का गेट। हाँ, यही दूसरा वाला गेट ही तो दिया था यार। 108 डिग्री टेम्परेचर में तुम्हें रोड ट्रिप पे जाना है यार। फाइनल इतनी मुश्किल से प्लान बना तो सही ना, तू लास्ट में मरा मत यार। मैं मरा रहा हूँ। आगे जाना फाइनली। क्या हाल है भाई? बस बढ़िया। नमन, हाउ आर यू ब्रो? फाइन। जितना मुझे याद है, मैं तुम दोनों से कह रहा हूँ लेट्स गो फॉर अ रोड ट्रिप टुगेदर, ओके? तब तो तुम मुंह पे कैंसिल कर देते थे, अब ये सडन मन परिवर्तन कैसे? कैंसिल करते नहीं थे यार, हो जाता था। देयर आर फार मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू बैक देन। रिस्पांसिबिलिटीज थी कुछ। क्या रिस्पांसिबिलिटीज थी? मैं बोलूं, रिस्पांसिबिलिटीज थी कुछ, एक्सपेक्टेशंस थे लोगों के। लाइफ बनानी थी, अभी भी बनानी है, बट आई गेस दिस इज मच नीडेड नाउ देन बिफोर। अरे कॉर्पोरेट चाचा, क्यों सेंटी हो रहे हो? मैं सेंटी हो रहा हूं, और तूने जो मेरे साथ किया वो? मैंने क्या किया? अरे यार, अब तुझे इतनी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, अब मेरा मुंह मत खुलवा अभी यहाँ पे। गाइस, लेट्स एंजॉय दिस रोड ट्रिप। क्यों लड़ रहे हो अभी, क्या पॉइंट है? नमन देख, साल में सिर्फ तुम दोनों मुझसे 2 बार मिलते हो, ओके? उसमें भी इसका हर बार का यही नाटक है, हमेशा सड़ता रहता है। क्या प्रॉब्लम है भाई? अरे तेरे घर वालों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्या बोलूं? मतलब क्यों ना लाऊं बीच में? इतना पैसा नहीं था मेरे पास जितना उनके पास है। तो क्या हुआ, कमा लिया बहुत सारा पैसा? भैया उस सिचुएशन में भी मैंने तुझ पे ट्रस्ट करके अपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया सारा पैसा मेरा, दिन रात गधों की तरह काम किया। और बताना नमन, कितने दिन चला? क्या बताएगा नमन, मैं बताता हूँ। माशे ने 10 दिन में कंपनी स्टार्ट करी और उसके अगले 10 दिन में कंपनी भी बंद कर दी। तो बंद क्यों करी ये भी तो बता, क्योंकि ये चोमो इन्वेस्टर्स के सामने मुंह फाड़ के आ गए कि सर ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ हुआ तो है नहीं, 10 दिन में निकल गया, सारा प्रेशर तो मुझ पे ही आया था। अरे तो स्टार्टअप ही चूतिया था। मेरा स्टार्टअप जैसा भी था, मैंने तुझ पे आग बंद करके विश्वास किया था। And you made me feel embarrassed in front of my own parents. पहली बार उन्होंने मुझ पे इतना यकीन किया था। तो तूने हक दिया। क्या हो गया यार? I already told you at that time. I couldn't connect with the work that we were doing. और मुझे मेरी कॉलिंग में तो ढूंढनी थी। वाह यार, 23 साल के हो गए माशा, अभी तक कॉलिंग घूम रहा है। खैर सही भी है, इतना पैसा हो तो भैंचो समय को ही खरीद लो। और यहाँ देखो, पहले 12वीं में साइंस लो, फिर अच्छा कॉलेज ढूंढो, फिर अच्छी नौकरी ढूंढो। अच्छी नौकरी भी मिल गई तो रोज 10-12 घंटे मरा के मीटिंग ही अटेंड करो, और फिर जो कुछ मी टाइम के नाम पे 5-10 मिनट मिल जाते हैं उसमें हिला के सो जाओ। यही तो लाइफ है। और अब तो खुद की लाइफ देखना, तेरे बाप ने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया भाई, सब कुछ तो करते हैं। हेलो आंटी, नहीं नहीं सब ठीक है, सुनिए मैं तेरे को 2 मिनट बाद कॉल करता हूं। आगे चाय वाला हो तो रुकना है।
ग्रेजुएशन हो गई उसकी? हाँ. How is she? She's fine, अभी she's fine, घर पे अभी. फिर आगे का क्या प्लान है? क्यों पूछ रहे तो उसके बारे में ये सब भी? सिर्फ पूछ तो रहा हूँ, I generally care for her. घंटा केयर करनी होती तो ये सब करके नहीं निकलता ना. छी यार नमन, तू ये सब सोचता है मेरे बारे में. तो क्या सोचू तेरे बारे में, तू एक बात बता ना. देखो जो करना था तू करके निकल लिया ना उसके साथ. और देख अभी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तू क्या करता है जिंदगी में, ठीक है. बट आई स्टूड बाई यू इवन विद दिस डम स्टार्टअप दैट यू जे फाउंडेड. बट यू गॉट इन्वॉल्व इन माय सिस्टम एंड दैट वाज द लाइन. वो ये हजार बात करा लो तेरे से हमेशा, गलती तो सिर्फ तेरे को मेरी दिखती है. नहीं तो उसकी क्या गलती थी? वो मैं अकेला ही थोड़ी था, वो भी तो इक्वली इन्वॉल्व थी. तेरे पास लड़कियों की कमी थी जो तू चलेगा निशा के पास? शी केम टू मी फर्स्ट. ओके, जब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं तो तेरी क्यों गांड जल रही है? एक गांडू सुन, फालतू की बातें तो करे मत, वैसे ही रोड ट्रिप की बात लग चुकी है. क्या हुआ? रुक तो सही, क्या हुआ यार, सुन तो सही. आजकल तो बहुत क्रेजी हो गया भैया, बस बंद कर अब यार, चल. ऑलमोस्ट तो पहुंच गए. एग्जैक्टली रुकना किधर है? अरे वहीं जहाँ पिछली बार रुके थे. दिस एरिया स्टिल द सेम जैसा उस दिन था, है ना? हाँ यार, उस दिन के बाद यहाँ पर आने की हिम्मत ही नहीं हुई. सो आर यू रेडी टू डू दिस? हाँ. अभी अभी ना चले. जान फेंकी है आसमां के रंग क्यों सुनहरे से बदले से क्यों हम क्यों वक्त ठहरे से
ख्वाब देखो तो सोच बैठी है। बेजुबान सहम सहमे से बदल से क्यों हम क्यों वक्त ठहरे से।